सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में बताऊं कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और कहां से बनवाना है। ओके, क्योंकि अब आपके काउंसलिंग में बहुत कम दिन रह गया है। 10-12 दिन बाद आपके जैसे रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 18 तारीख बाद 19 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन वेरीफिकेशन आपको सबमिट करना होगा। और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट में गलती करते हो, फॉर्मेट तो जोसा का ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिसमें अगर वो ढंग से नहीं बनवाते हो तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट हो जाता है। हर साल होता है, तो आपको इस पर गलती नहीं करना है। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं बताऊंगा कैसे आपको बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट कहां से मिलेगा, उस सब कुछ का लिंक भी शेयर करूंगा। ओके, और अगर अभी तक काउंसलिंग हेल्पडेस्क आप नहीं ज्वाइन किए हो तो आप मेरे अंडर गाइडेंस में काउंसलिंग हेल्पडेस्क करा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको कॉल आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आप मेरे अंडर गाइडेंस में सारा कुछ काउंसलिंग का हेल्प ले सकते हैं। आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ, आपको डेली गूगल मीट्स होते हैं जिसमें सारे डाउट्स कवर कर सकते हो। ओके, तो जरूर ज्वाइन करिए। कोई डाउट होता है मेरे को इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, तो पहली बात कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो हर साल सेम होता है। मैं 2020 में एडमिशन लिया था, 2020 में भी वही था, 2021 में भी वही था, 2022 में भी वही था, 2023 में भी वही रहने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जोसा के वेबसाइट पर दिया गया है फॉर्मेट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां जाकर आप उसको डाउनलोड करिए। कहाँ से बनवाना है वो मैं बताता हूँ। या तो आप कोई MBBS डॉक्टर से बनवा सकते हो, या कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर्स बनवा सकते हो, एम्स हॉस्पिटल्स बनवा सकते हो, ठीक है, अब कोई प्राइवेट डॉक्टर्स बनवा सकते हो। शर्त ये है कि आपको उसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उनका स्टाम्प होना चाहिए, ठीक है। स्टाम्प इज नेसेसरी। मैंने तो ये बताया कौन कौन से डॉक्टर से बनवा सकते हो। सबसे आसान है, अपने नियरेस्ट प्राइमरी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे बोले एक दिन में बन जाता है कि मेरे मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, आप फॉर्मेट दीजिएगा, वो जो भी अपना प्रोसेस करेंगे बन जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप उसमें लास्ट में आप मेंशन यहाँ पे दिया है, नेम ऑफ डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर विद डेट और सील। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर का नेम मस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए डेट के साथ, और आपका सील भी होना चाहिए, मतलब स्टाम्प वहाँ पे नेसेसरी। अगर स्टाम्प नहीं रहेगा, बाकी ऊपर डिटेल में आप अगर कुछ गलत भी डाले हैं, अपना हाइट 1-2 इंच गलत डाले हैं, या फिर वेट 2-3 किलो गलत डाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं चेक होता है, ना ही कोई वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। आपको ये सारा चीज़ नीचे का जो चार चीज़ मैंने मेंशन किया उसको सही रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब आप स्टार्ट कर सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। अपना फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, कोई डाउट होता है तो मेरे को जरूर कमेंट करिएगा। बहुत सारे लोग बोलते थे कि भैया एम्स में बनवा सकते हो, ऑफकोर्स बनवा सकते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बनवा सकते हो, जहां पर ये चीज़ें मैंने बोला कि सील होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए डॉक्टर के लिए। ओके, तो आई होप आपको पूरा चीज़ क्लियर होगा। कोई डाउट होता है नीचे कमेंट जरूर करिएगा, या फिर काउंसलिंग हेल्पडेस्क आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपके सारे प्रोसेस सारे हेल्प हो रहे होंगे। सो थैंक यू।